आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। टेस्ट सीरीज के ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, मोहम्मद शहजाद ने 12 गेंदों में ठोका अर्धशतक। पूर्णिमा पर कल महादेव घाट के तट पर लगेगी आस्था की डुबकी, रोचक है यहाँ की परंपरा। शिवराज के खिलाफ ताल ठोकने वाले अरुण यादव से खास बातचीत। अब खबरें विस्तार से। पहले ही T20 में भारतीय टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 100 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले दो टेस्ट मैचों के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। वहीं रणजी में वसीम जाफर 11,000 रन बनाने वाले बने पहले खिलाड़ी। पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी के महादेव घाट में कल लगने वाले पुन्नी मेले की तैयारियां जोरों पर है। मेले के दिन सुबह से ही भजन, खारून नदी के तट पर स्नान कर हटकेश्वर मंदिर में शिवजी को जो जल चढ़ाते हैं, सुख शांति और समृद्धि के लिए मन्नत मांगते हैं। सुबह का सियासी संग्राम पूरे शबाब पर है। दोनों पार्टियों के सेनापति रणनीति बनाकर विरोधी को मात देने की कोशिशों में जुटे हैं। वही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को पार्टी ने सबसे मुश्किल मानी जाने वाली सीटों में से एक बुधनी से प्रत्याशी बनाया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।